आप जो मेरे पीछे वैली देख रहे हैं, इसे भी यू नो काइंड ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एक एक्साइटिंग सा देखा, तो हमें चेंज करना पड़ा उधर का रूट, यहाँ के लोग कैसे चीजों का बैकअप रखते हैं। टफ है थोड़ा। नमस्ते एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विकी फुटस्टेप्स। सो अभी हम एक विलेज में जा रहे हैं जिसका नाम सिपू है, एंड वो ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर का ट्रैक है, एंड वी आर प्रेटी एक्साइटेड कि हम ट्रैक पे जाएंगे। एंड यहाँ से गुजरते हुए दो विलेज पड़ते हैं जिनका नाम है मार्चा और तितांग। हम दांतू से बाइक पे निकले थे एंड तितांग पे अपनी बाइक खड़ी कर दी, एंड नाउ वील बी ट्रैकिंग टूवर्ड्स सिपू। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एक एक्साइटिंग सा देखा कि बैकअप जिसको बोलते रहते हो आप लोग कि यहाँ के लोग कैसे चीज़ों का बैकअप रखते हैं। सो रिवर क्रॉस करने के लिए दो चीज़ें हैं, आइदर आप अपना ब्रिज से डायरेक्ट क्रॉस करो, या फिर एक इधर ये केबल कार टाइप है, ये इमरजेंसी के लिए रखते हैं यहाँ के लोग कि सपोज़ बाढ़ में कभी ये ब्रिज चला जाए तो दे कैन यूज़ दिस फॉर द क्रॉसिंग द रिवर। तो बेसिकली यहाँ से बहुत कुछ नया सीखने को मिला कि कैसे यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ही टफ है। Getting better now, feel the change is coming on my way, keeping hope as higher as I can, moving on, embracing destiny, carry on despite all my past, into tomorrow's bright and shiny days. इस ट्रैक पर आपको कई जगह पमा के पौधे भी देखने को मिलेंगे। इन पौधों को शुभ माना जाता है और इन्हें धूप की जगह यूज किया जाता है, इन्हें पूजा या किसी शुभ अवसर पे जलाया जाता है। क्या हुआ भाई? पेट दर्द हो रहा है। हैं? पेट दर्द। ठंडक की वजह से? पता नहीं। अभी तो बहुत चलना है। हेलो। चलो 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 मोरल अप करो। रास्ता भटक गए हम लोग, दो रूट जा रहे थे, वो थोड़ा नीचे वाला है मगर शायद से ऊपर वाला था। अभी यहाँ से कुछ ऐसा है, मतलब कुछ रूट है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, शायद यहाँ से वो जाके ट्रेन वहाँ मिले मोस्ट प्रॉब्ली। लेट्स सी, या ये नीचे वाला कुछ सामने दिखा, नीचे का लैंड स्लाइड हो रहा था, प्रॉब्लम थी कि जाना चाहिए कैसे। लेट्स सी, इसलिए थोड़ा टच कर रहा है अभी। हाँ, गुड गोइंग गुड गोइंग, चलते रहो कोई नहीं, टफ है थोड़ा। चलो 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 चलो, मैं इधर एक साइड हूँ, बैग पकड़े हुए मैं नहीं जाने दूंगा। तो हमें चेंज करना पड़ा उधर का रूट, बिकॉज वो वाला ट्रेल पकड़ते तो ये तो नहीं कर पाती। तो अभी के लिए वापस करीबन 500 मीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद से एक ऊपर को ट्रेल जा रही है वो पकड़ते हैं।
कभी अगर सिप्पू जाना हो तो ये बात याद रखना, ये ट्रेल कभी मत चूज करना वरना इसकी तरह रहोगे। ये ट्रेल लेना जो ऊपर को जा रहा है, ये बेस्ट है, थोड़ा स्टीप है बट कुछ लोग आ भी रहे हैं। I'm going ahead, not turning back. I'm moving on, not turning back. Up to the moon, there is no turning back. पीछे भैया मिले, उन्होंने बताया कि एक पॉइंट है वहां से फुल मार्चा और सिपू दोनों ही दिखते हैं बेसिकली। ये थोड़ा स्टीप है, उसके बाद सीधा डाउन है, तो कुछ ज़्यादा ही स्टीप है, मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, क्योंकि हालत तो ख़राब हो रही भाई शूटिंग करते करते यार, साथ में चलना है नॉट पॉसिबल। मगर ये हसल एक्चुअल में एक मायने में कुछ भी नहीं है। 2016 से पहले तिदांग तक भी रोड नहीं थी। ऐसा लग रहा है मानो एक एक स्टेप हमें इस वैली को और भी करीब से जानने के लिए मोटिवेट कर रहा है। एंड वन थिंग मोर, इफ यू वांट टू विजिट दिस विलेज देन आपको धारचूला से ही परमिट बनवाना पड़ेगा। बट वी टॉक टू द ऑफिशियल्स to give us permission for a one day to visit this place. So, आप जो मेरे पीछे वैली देख रहे हैं, इसे भी you know kind of valley of flowers बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी different kind of flowers मिलते हैं आपको जब जून जुलाई के सीजन में फ्लावर ब्लूम होने का you know सीजन होता है। एंड ये जगह काफी हाई एल्टीट्यूड पे है, इसलिए आप यहाँ पे इतने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स देख सकते हो, बिकॉज कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे ही आपको मिल सकते हैं। एंड कमिंग टू द माउंटेन्स, ये पूरी जगह आपको स्नो से कवर्ड मिलेगी। अभी तो इस सीजन में यहाँ पे कोई फ्लावर्स नहीं है, बट इफ यू आर कमिंग और इफ यू आर प्लानिंग टू कम इन जून एंड जुलाई, सो यू कैन सी द रियल ब्यूटी ऑफ दारमा वैली। मैं रास्ते से ऐसे ही गुजर रहा था एंड मेरी नज़र ये भेड़ के जो बेसिकली जिससे रुई बनती है इस पर पड़ी। मैंने थॉट कि ये यहाँ कैसे आया, तो होता क्या है कि यूजली जब भेड़ निकल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं उन कांटों में टकरा के उनका वो खाल मतलब बेसिकली ये रुई फंस जाती है, तो इसी में स्टक हो जाती है। तो ऐसे कई जगह मेरे को दिखा देना, थॉट कि यार ये एक्चुअल में है क्या, फिर मैं थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा करके कि एक्चुअल में ये रुई है। इस पूरे ट्रेल पे आपको बहुत कम जगह वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगे, सो प्लीज ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल। दारमा वैली इज वेल नोन फॉर पंचाचूली पीक्स, बट दिस हिडन जेम इज बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। ये आज भी शायद इसलिए अनछुआ है क्योंकि मोस्टली ट्रेवलर्स तिदांग से ही वापस हो जाते हैं, बट फ्रॉम हेयर यू कैन सी द रियल उत्तराखंड। You can see right behind us, we have reached Marcha and I'm super relaxed कि हम आधे destination तक पहुँच चुके हैं। And आज का base हमारा सिपू होगा, यहाँ से almost 7 kilometers का track था, तो I think 5 kilometers हम यहाँ तक आ चुके हैं, 2 kilometer बाकी होगा। And सिपू की actually में जो climb है वो थोड़ा steep है, it will take I think 1 to 1.5 hour, so आज का base और stay हमारा सिपू है। Thank you.
फाइनली वी कैन सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सिपू विलेज। एंड मैंने यहाँ नोटिस किया है कि लोगों ने इतने ढेर सारे वुडन ब्रिजेस बना रखे लाइक दिस एज यू कैन सी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, और पीछे को आप देख सकते हो इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है ना कि यहाँ पे सर्वाइव करना इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। स्नो इज़ अ वन पार्ट ऑल्सो, बट एट अ सेम मोमेंट यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड है और रूट इतना ज़्यादा ख़राब रहता है कि यहाँ तक पहुँचना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहरहाल अभी तो बीआरओ ने बहुत सारी रोड्स ऐसी है ना, रोड एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है, बट स्टिल एवरी ईयर स्नो की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे बीआरओ को भी रोड्स वापस से बनाने में। सो लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है पहुँचने में। तो यहाँ का ट्रैक ना थोड़ा डिफिकल्ट इस वजह से भी है क्योंकि ऐसे पैचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, आपको फुल साइड से निकलना पड़ता है। एक बार ट्राई करो निकलने का, इजी निकल जाओगी, नहीं गिरोगी, नहीं गिरोगी। आ जाओ आराम से आओ, इस साइड को काउंटर वेट देना, आ जाओगी। रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, चलो आओ, हाथ पकड़ो, पैर करो यहाँ। हाँ हाँ, आगे आओ, यहाँ पे, ये वाला नहीं, नहीं अपोजिट साइड, अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला पैर आगे बढ़ाओ, इजी। हाँ हाँ, आते रहो, कोई नहीं, आ जाओ आओ, इजी। इजी है, चलो आ जाओ। चलो कह रहे नहीं पहनी पे बैग पकड़े हूँ मैं। आराम से, हाँ चलो चलो चलो, पैर गलत जगह चूज करती हूँ रखने का, चलो। अब जो मेरे हाथ में पत्ता देख रहे हो, ये इस गांव का ट्रेडिशन है या बोल सकते हैं कल्चर है। जब भी कोई इस गांव में आता है तो आपको यहाँ पे से कोई भी पत्ता लेके इस पत्थर पे चढ़ा देना होता है, उसे कह सकते हो चढ़ा देना होता है, एक रिचुअल है ये यहाँ का। सो जो भी यहाँ आते हैं इनको फॉलो करना पड़ता है। सिपू का एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। एंट्रेंस बोले तो यहाँ पे जो लोकलाइट्स है, गांव वाले हैं, उन्होंने एक पुल बना रखा है, दो पुल बनाए हैं, एक उस साइड है और एक इस साइड है, हम इधर वाले पुल से जा रहे हैं। तो जब आप एंटर करते हो ना इस विलेज में, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फील ऑफ नेचर। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सुंदर पानी बह रहा है एंड कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसा लग रहा है वैली इज वेलकमिंग अस।
सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वैली एंड आई होप अभी थोड़ा सा रास्ता डिफिकल्ट है बट यहाँ की खूबसूरती आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। ऐसी अनटच्ड प्लेस पर जाना, वहाँ के कल्चर के बारे में नई नई चीज़ें जानना, ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्टीप है और कोई ऐसा पर्टिकुलर पास नहीं बना हुआ है। लोकलाइट्स ने मोस्टली माउंटेन को साइड साइड से थोड़ा जहाँ जहाँ से स्पेस मिला और वहाँ से कट करके कमा रखा है स्पेस, इजीली लोग आ जा सकें। लेट्स सी, अभी तो इतना टफ भी नहीं है, मतलब इफ यू आर फिट इनफ आप इजीली चल सकते हो और कोई इतना असल बसल वाला नहीं है, बट बहुत अच्छा बना रखा है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कुमाऊँ ट्रेल्स सीजन 4, द दारमा वैली नेवर सीन बिफोर।